हेलो फ्रेंड्स, ऐसे छाओ डिज़ाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 11 फीट बाई 35 फीट में ये प्लान बना हुआ है, जो कि 385 स्क्वायर फीट में होगा। 42 गज में ये प्लान बना हुआ है। साउथ डिज़ाइन से आप 350 पौने 400 स्क्वायर फीट तक का आप आइडिया ले सकते हैं। छोटा करें बट बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इस प्लान की वेंटिलेशन डायमेंशन, इस प्लान की कॉस्ट वगैरह क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस प्लान की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 11 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 35 फीट की होगी। छोटा करें बट बहुत ही अच्छी प्लानिंग की गई है। अगर आप भी हमसे ऐसा ही नक्शा बनवाने की सोच रहे हैं तो ईजिली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको हमारा नंबर स्क्रीन पर शो ही हो रहा होगा। इस साइड अपने आप प्लांट वगैरह लगा पाएंगे। ठीक इसी साइड से देखें तो ये इसका मेन गेट मिलेगा, जो कि हमने तकरीबन 4 फीट का गेट दिया। इसी गेट से एंट्रो थी काफी आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 10 फीट 4 इंची बाई 6 फीट का ये पार्किंग एरिया मिलने वाला है, जो कि आपके स्टेयर्स के नीचे इजिली अपने बाइक वगैरह इजिली पार्क कर पाएंगे, वरना तो इसके नीचे एक कॉमन टॉयलेट दे पाएंगे। ठीक इस साइड ये हमने फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए स्टेयर दिया है। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 3 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 7 फीट की होगी, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर लिए जो कि इसमें फर्स्ट फ्लोर पर भी इजली इसमें बेडरूम का पोर्शन आने वाला है, 2 बेडरूम का। इसमें आप फर्स्ट फ्लोर को इजली रेंट आउट वगैरह कर पाएंगे, जो कि रेंट वगैरह पे आप दे पाएंगे रेंट पर्पज़ के डिज़ाइन से डिज़ाइन किया हुआ है। अभी साइड देखें तो ये आपको ये मेन गेट मिलेगा, जो कि हमने तकरीबन 3.5 फिट का गेट दिया। इसी गेट से एंट्रो दी का फिर आपको ये ड्राॅइंग रूम मिलेगा। अभी ड्राॅइंग रूम के एरिए की बात करें तो आपकी 10 फीट 4 इंची बाई 8 फीट का ये ड्राइंग रूम मिलने वाला है, जो कि काफ़ी आपको ड्राइंग रूम है। इसमें आपके 6 सीटर सोफ़ा वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे। सामने में अपने आप कैबिनेट वगैरह जिसमें इसलिए अपने बुक्स वगैरह रख पाएंगे। इस साइड से देखो तो हमने वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया है, जिसके द्वारा इसका वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। इसमें रोशनियाँ ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इस साइड अपने आप गेस्ट वगैरह को बिठा कर सामने में टीवी वगैरह दिखा पाएंगे। इस साइड देखो तो हमने टीवी वगैरह भी लगाया, जिसमें इसलिए अपने टीवी वगैरह का सेटअप कर पाएंगे। हमने कुछ कलर कॉम्बिनेशन का वॉलपेपर वगैरह यूज़ किया है। इस साइड देखे तो आपको 3 फीट का आर्क मिलेगा, जो कि हमने दिया है। इसी आर्क से एंट्रो दी का फिर आपको ये गैलरी मिलेगी। अब इस गैलरी की चौड़ाई की बात करें तो तकरीबन आपको 3.25 फीट की गैलरी मिलने वाली है। ठीक इस साइड देखे तो आपको गैलरी से एक आपको ओपन किचन मिलने वाला है, जो कि काफी आपको ओपन किचन मिलेगा। इस ओपन किचन के एरिए की बात करें तो आपकी 5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 7 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके फ्रिज स्लैब चूल्हे और कैबिनेट वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे। अपने स्टोव वगैरह सिंक वगैरह इसमें इसलिए अपने बर्तन वगैरह इसलिए वॉश कर पाएंगे, इसलिए अपने कुकिंग वगैरह कर पाएंगे। वॉल वगैरह पे देखें तो हमने टाइल्स का यूज़ किया, जिसमें इसलिए अपने इसलिए वॉशेबल वगैरह कर पाएंगे। साइड से उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी दिया है, जिसके द्वारा इसका वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। इसमें रोशनियाँ ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल स्मोक वगैरह सब इसी विंडो के द्वारा एग्जॉस्ट होती रहेगी। आप चाहें तो एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगा पाएंगे। ठीक इस साइड देखो तो आपको ये वाश बेसिन मिलने वाला है, जिसमें इसलिए अपने आप हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे, इसलिए अपने सिंगार वगैरह कर पाएंगे। ठीक इस साइड ये आपको टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम मिलेगा, जिसमें हमने 2.5 फिट का गेट दिया। इसी गेट से एंट्रो थी का फिर आपको टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम मिलेगा। अब इसके एरिए की बात करें तो आपकी 4 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके टॉयलेट सीट और शावर वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे। आप चाहें तो 7-7 फीट तक का टाइल्स लगा पाएंगे, जिसमें आपको सीलन पंप से रिलेटेड कोल्ड में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब साइड उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी दिया है, जिसके द्वारा इसका वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। इसमें रोशनियाँ ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह सब इसी विंडो के द्वारा एग्जॉस्ट होती रहेगी। आप चाहें तो एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगा पाएंगे। ठीक इस साइड देखो तो इसके बैक में आपको एक ओटीएस मिलेगा। अब इस ओटीएस के एरिए की बात करें तो आपकी 4 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 1.5 फीट की इसकी लंबाई होगी, जिसके द्वारा हमने विंडोज़ वगैरह इसी के द्वारा दिया हुआ है। टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम पर आपको डबल स्लैब डलने वाली है, जो कि आप एज अ स्टोर रूम की तरह भी यूज़ कर पाएंगे, जो कि आपका डबल स्लैब डल जाएगा। तो सामने में देखें तो आपको ये बेडरूम का गेट मिलेगा, इसमें हमने 3 फीट का गेट दिया। इसी गेट से एंट्रो थी का फिर आपको बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम के एरिए की बात करें तो आपकी 10 फीट 4 इंची बाई 10 फीट का आपको बेडरूम मिलने वाला है, जो कि काफ़ी आपको बेडरूम मिलेगा। इसमें आपके अलमीरा और ड्रेसिंग टेबल वगैरह इजिली एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इसलिए अपने सिंगार वगैरह कर पाएंगे। सामने में देखें तो हमने टीवी यूनिट पैनल वगैरह भी लगाया, जिसमें इसलिए अपने बैठ कर टीवी वगैरह देख पाएंगे इजिली। इस साइड देखे तो हमने डबल बेड वगैरह का सेटअप किया हुआ है, जिसमें इसलिए अपने स्लीपिंग वगैरह कर पाएंगे। अब साइड से उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी दिया है, जिसके द्वारा इसका वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। इसमें रोशनियाँ ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। एक विंडो हमने इसी साइड भी दिया है, जिसके द्वारा इसका वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। अब इस प्लान की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 5 लाख रुपये बनने वाला है, जो कि आप चाहे तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।